बिहार जो है वो मॉडल स्टेट बन गया पूरे देश का रोजगार को लेकर के। इतनी बड़ी बहाली जो निकली है जी 175,000 के आसपास सिर्फ शिक्षकों का। हेल्थ विभाग से हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। अब तक इतने बड़े तादाद में जी देश में कहीं भी बहाली अगर निकल रही हो तो आप हम लोगों को बता सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। BPSC के द्वारा शिक्षकों के लिए जो एग्ज़ाम ली जा रही है उसके ऊपर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है और बिहार में सिर्फ और सिर्फ रोज़गार ही रोज़गार है। पहले तेजस्वी यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी जी, BPSC की परीक्षा को लेकर के क्या अपडेट आ रही है? अरे बिहार जो है वो मॉडल स्टेट बन गया पूरे देश का रोजगार को लेकर के। इतनी बड़ी बहाली जो निकली है जी 175,000 के आसपास सिर्फ शिक्षकों का। इससे पहले भी गृह विभाग में जो है जी वो पुलिस की संख्या जो है बढ़ाई जा रही जी है, और उसके अलावा हेल्थ विभाग से हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। अब तक इतने बड़े तादाद में जी देश में कहीं भी बहाली अगर निकल रही हो तो आप हम लोगों को बता सकते हैं। बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही है कि कुछ भी चल नहीं रहा है सही, तब बहाली ऐसे निकल गया। 175,000 की बहाली निकाली गई जिसमें 8 लाख लोगों ने बढ़ाई के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। अरे भाई 8 लाख लोग हवा में भर रहे हैं क्या? बहाली निकली है तभी तो हो रहा है। तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार है वो बिहार के युवाओं के लिए काम कर रही है और रोज़गार के जो उन्होंने वादा किया था वो रोज़गार भी मुहैया करा रही है, और लगातार रोज़गार को लेकर के बिहार सरकार एक्टिव है और काम कर रही है। विपक्ष के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें बिहार में देखना चाहिए कि कितने युवाओं को नौकरी दी गई है, और उन्होंने ये भी वादा किया आने वाले समय में और भी नौकरियां दी जाएगी। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़। बिहार जो है वो मॉडल स्टेट बन गया पूरे देश का रोज़गार को लेकर के। इतनी बड़ी बहाली जो निकली है जी 175,000 के आसपास सिर्फ शिक्षकों का। हेल्थ विभाग से हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। अब तक इतने बड़े तादाद में जी देश में कहीं भी बहाली अगर निकल रही हो तो आप हम लोगों को बता सकते हैं। बीजेपी तो लगातार सवाल उठा रही है कि कुछ भी चल नहीं रहा है सही, तब बहाली ऐसे निकल गया। 175,000 की बहाली निकाली गई जिसमें 8 लाख लोगों ने बढ़ाई के लिए आप लोग काम। अरे भाई 8 लाख लोग हवा में भर रहे हैं क्या? बहाली निकली है तभी तो हो रहा है।